मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक के मालपुरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों और जनता के लिए योजना लाने में कोई कमी नहीं रखी है। वहीं लोगों के बिजली के बिल को शून्य किया गया है। साथ ही राज्य में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आपको कांग्रेस का प्रत्याशी विधानसभा में मिलेंगे तो हमारा दायित्व बनता है संपूर्ण ज्यादा जो ये नेताओं ने केजरीवाल जी ने पूरे कुछ लोगों ने घेरा घेर दिया वही बार बार इत्यादि रूप से मैंने लिया था रैकेट में तो मैंने मेरी गलती सुधारी और बार बार घोषित किया घोषित कर दिया। अकाली दल में जो है आपका चुनाव जीतते ही आपका मार पड़ा नॉर्मल जारी हो जाएगा। इलेक्शन आ गए आगे कार्रवाई जो होती है कलेक्टर लगाने की या मिनी सचिवालय बनेगा कलेक्ट्रेट का जिला अधिकारियों का दूर जाना नहीं पड़ेगा आपको। टॉप में सचिन पायलट हो नेवा में परम गहरा हो मादरा में घासीराज चौधरी हो और देवनी दुनिया में हरीश मीणा हो चारों जीतेंगे तो सेना रोक नहीं पाएगा। ये मैं जान जाता इसे मैं मुझे आगे जाना है मैं वहां भी जाऊंगा मुझे पहला बोलना पड़ा आपका प्यार आपका स्नेह आपका विश्वास आपका आशीर्वाद ये हम लोगों के साथ में है और आज मैं आपसे राजीव चौधरी के लिए और मेरे लिए भी आशीर्वाद मांग आया हूँ।